गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन एट योर होम। एज यू नो, आई एम योर हिंदी टीचर फराना खान, एंड टुडे आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट क्लास एट। क्लास एट, आज हम लोग बात करेंगे वर्ण विचार पर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों का सेकेंड चैप्टर है वर्ण विचार। स्टूडेंट्स, हिंदी को पढ़ने और लिखने के लिए पहले हमें जरूरी है कि हमें वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ण, वह सबसे छोटी ध्वनि या मुख से निकली आवाज जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। स्टूडेंट्स, ये तो हो गई हमारी वर्ण की डेफिनेशन। लेकिन अब सवाल आता है कि वर्ण हमारे आए कहाँ से। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हमारे मुख से ध्वनियां निकलती गईं, वैसे वैसे इंसान ने उन्हें ध्वनियों को चिन्हों का रूप देते चले गए। स्टूडेंट देखिए, हम, ये हमारा एक शब्द है। अब हमारे मुंह से जैसी जैसी ध्वनियां निकलती गईं, इंसान उन्हें चिन्हों का रूप देते गए। जैसे हमारे मुंह से निकली हा, तो इंसान ने उसे हा को इस तरह से चिन्हित कर दिया कि हमारे मुंह से जो ध्वनि निकली है वो हा ऐसा है। हमारे मुंह से निकला आ, तो स्टूडेंट्स इंसान ने आ को इस तरह से चिन्हित कर दिया कि उसकी ध्वनि ऐसे निकली है। ऐसी हमारी तरह निकला माँ, तो इंसान ने उसे माँ को इस तरह का रूप दे दिया। ऐसे बन गया हमारा हम, हा आ म आ, हम। इस तरह से हमारे वर्ण बनते गए। अब हम आते हैं वर्णों के भेद पर। स्टूडेंट्स, हमारे कितने वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो, स्वर एंड व्यंजन। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने पहले बचपन में पढ़ रखे हैं, सबने पढ़ रखे हैं स्वर एंड व्यंजन, लेकिन आज हम इसके बारे में और बात करेंगे। स्वर कितने होते हैं हमारे? 13, आ से अंग तक। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारे दो जो वर्ण होते हैं, जो दो जो स्वर होते हैं वो अयोग्य होते हैं, छोटा अंग और बड़ा अंग। तो अब हमारे स्वर कितने रहेगा? 11 तक। हमारे स्वर का क्या वर्ग होता है स्टूडेंट्स? हमारे स्वर की मात्राएं लगती हैं, ठीक है। और व्यंजन क्या होते हैं? अब हम आते हैं व्यंजन। स्टूडेंट, हमारे व्यंजन व्यंजन पर मात्राएं लगती हैं और स्वर की मात्राएं बनती हैं और व्यंजन पर मात्राएं लगती हैं। व्यंजन तो आप लोगों को पता ही है कितने हमारे होते हैं, का से ले का खा ग। लेकिन स्टूडेंट्स हम बात करेंगे पहले स्वर की। अब हम आते हैं अयोग्य पर। स्टूडेंट्स, हमारे अयोग्य क्या होते हैं? छोटा से अंग। हमारे दो अयोग्य होते हैं जिनका क्या वर्ग होता है? जो ना के स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, लेकिन इनका इस्तेमाल हम स्वर और व्यंजन दोनों में करते हैं। अब हम आते हैं स्वर के भेद पर। हमारे स्वर के कितने भेद हैं? 3। स्टूडेंट्स, पहला क्या है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं स्टूडेंट? 4। क्या होते हैं ये? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, यानी जिन स्वर को बोलने में हमें कम समय लगता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर। कितने होते हैं ये? 4। अ ई उ र, लगा ना कम वर्ड, कम कम समय। अब आते हैं हम दीर्घ स्वर पर। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दो गुना समय लगता है, यानी दो मात्रा उसका से ज्यादा समय लगता है। जैसे आ ई ओ ए ओ, किससे? ह्रस्व स्वर से दो गुना ज्यादा समय लगता है। अब हम आते हैं लुप्त स्वर पर। स्टूडेंट्स, इन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से ज्यादा अधिक समय, 3 गुना समय लगता है, यानी 3 गुना समय लगता है। इसलिए इसे 3 का, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, 3 है, 3 बना हुआ है, तो 3 का चिन्ह अंकित कर दिया गया है, लेकिन इसका हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं व्यंजन के भेद पर। स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है व्यंजन पर हमारी मात्राएं लगती है, का से लेके मा तक, का से लेके मा तक पर हमारी मात्राएं लगती है, और बाकी के जो व्यंजन है हमने उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। पहली है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं हमारे? य र ल व। स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय आवाज सीधी अंदर से बाहर निकलती है, वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। देखिए आप लोग ट्राई करके देखिएगा, य र ल व, अंदर से बाहर आवाज आएगी। सेकंड है उष्म व्यंजन। स्टूडेंट, उष्म व्यंजन का क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? वर्णों का उच्चारण करते वक्त सांस की मात्रा ज्यादा से ज्यादा निकलती है। देखिए श श स ह निकली ना दादा आवाज। अब है थर्ड संयुक्त व्यंजन।
ये दोनों व्यंजनों से मिलकर बनता है, जैसे श, त्र, ग्य, श्र। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों के वर्ण विचार समझ में आए हो, वर्ण के भेद और स्वर स्वरण व्यंजन के भेद समझ में आए हो। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।